विद्युत जामवाल एक बार फिर रेडी हैं बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए। फर्स्ट मूवी ऑन द सीक्रेट सर्विस ऑफ इंडिया। सीक्रेट सर्विस के बारे में जाना नहीं है क्योंकि अक्सर इसके बारे में बात नहीं की जाती है। जल्द ही नजर आएंगे एक स्पाई थ्रिलर मूवी में। इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म है तो दिमाग का काफी इस्तेमाल किया गया। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया, मैं हूँ रजनी। बॉलीवुड के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, उनकी मच अवेटेड फिल्म IB71 बहुत जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और इसी सिलसिले में एक्टर अपने फैंस और मीडिया से इंटरेक्ट करने पहुँचे। चलिए आपको ले चलते हैं, क्या कुछ कहना है विद्युत जामवाल का अपनी फिल्म के बारे में, आपको भी सुनाते हैं। दरअसल जब संकल्प रेड्डी स्क्रिप्ट लेके भी आए थे, I was very surprised that I was not so aware of that whole thing that had happened. और ये surprise से ही शुरू हुआ था, so जैसे मैं हैरत अंगेज हो गया था, मुझे लगा कि दर्शकों को भी उस तरह से कुछ करना तो चाहिए, like for the people, I think they should be surprised. So what better than genuinely give them a outing where we can just make them think. तुम्हारी उम्र कितनी है? How old are you? Whatever it is, well done, boy. I like that confidence. यार जैसे आप पोस्टर में भी देख रहे हैं, it's actually the first movie on the secret service of India. आज तक हम लोगों ने secret service के बारे में जाना नहीं है क्योंकि अक्सर इसके बारे में बात नहीं की जाती है. And we always talk about RAW, the Indian Army, the other forces, but secret service बहुत उम्दा force है and world की number one है. और कभी जिक्र ही नहीं हुआ, so why not make a movie on it? आपको लाइक जब हम लोगों ने फिल्म बनाना शुरू की थी, सो आई वाज लॉन्चिंग द प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड एक्शन हीरो फिल्म्स, और जब मैं लॉन्च भी कर रहा था, मैं हमेशा ये बोलता था कि एक्टर वॉचिंग अदर एक्टर्स ऑन टीवी, और मुझे हमेशा लगता था कि ये इतने उम्दा एक्टर्स हैं, इनके साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा है? कई NSD के हैं बट उनको मैं देखता नहीं हूँ पर्दे पे अक्सर, उनको देखता हूँ कि वो लगे रहते हैं ऑडिशंस देने. सो व्हेन वी हैड टू हैव अ मेजर कास्ट लाइक दिस, आई थॉट व्हाई नॉट कास्ट द पीपल दैट वी ऑलवेज बिन वॉचिंग बट नेवर केम इनटू द लाइमलाइट. सो ऑडिशन का प्रोसेस वहाँ से शुरू हुआ. ये जितने भी एक्टर्स हैं सारे बहुत उम्दा एक्टर्स हैं. वी गॉट अबाउट 50 प्राइम कास्ट. And you will see that everybody is somebody who's going to shine. नहीं, confusion तो तभी होती है जिसके बारे में जानकारी कम होती है. जैसे आप जानती हैं कि FBI कहाँ की है? हाँ, क्या बोल रहे हो? अभी हमेशा आप ही तो सवाल पूछते हो. ISIS कहाँ से है? मोजार्ट कहाँ की है? हिंदुस्तान की क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो. तो कंफ्यूजन इसलिए होती है, पता नहीं है, समझाया नहीं है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू लेट द नेशन नो व्हाट द रियल ट्रू इंडियंस आर डूइंग बिहाइंड आवर बैक्स. हाँ, थैंक यू. ये शरीर के कई हिस्से होते हैं, उनमें एक दिमाग जो होता है वो ज़्यादातर शरीर को सही रखता है. क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म है तो दिमाग का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, वही वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. यू विल सी एक्शन इन द फॉर्म ऑफ माइंड, मेंटल गेम्स एंड इंटेलिजेंस. आई लव यू. व्यूअर्स तो यही बोल पाऊंगा, आई लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. And I promise you, I will do whatever it takes to make everybody entertained. आपको बता दे, एक्टर विद्युत जामवाल एक उमदा किस्म के एक्टर माने जाते हैं. उनकी ज्यादातर फिल्में एक्शन से भरी हुई होती हैं, लेकिन IB71 एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और 12 मई को आपको सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी. वेल, आपको भी इस पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताएं. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.